नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, अभी कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने यूएन पोर्टल में लॉगिन करके खुद से आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने इस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड किया और जैसे मेरे व्यूअर्स ने उस वीडियो को देखा तो उन्होंने मेरे को कमेंट करने स्टार्ट कर दिए उस वीडियो के ऊपर और मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कई मैसेज आने लग गए, जिसकी वजह से बल्क में मैसेज और कमेंट आने की वजह से मेरा जो फोन था वो हैंग हो चुका था। और जब 10 मिनट बाद मेरा फोन हैंग होने से हटा तो मैंने उस मैसेज को पढ़ा, वहां पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा गया है कि वो जब डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट करने के लिए सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे लिखा आ रहा है कि प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग में है और उनको प्लीज वेट कहा जा रहा है और ये जो उनको डिस्प्ले पे शो कर रहा है वो घंटों घंटों तक शो कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लाखों पीएफ मेंबर है जिनकी डेट ऑफ एग्जिट अभी तक अपडेट नहीं हुई थी और उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट भी करी, मेल भी करी और उनको कॉल भी करी, लेकिन उन्होंने उनकी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अपना पीएफ या तो ट्रांसफर नहीं कर पाए थे या विड्रॉ नहीं कर पाए थे। और ये जो नया अपडेट यूएन पोर्टल में आया है जिसकी वजह से वो खुद अपने डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं, जैसे उनको पता लगा तो सारे के सारे यूएन पोर्टल में लॉग इन करके अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने के लिए चले गए। तो उस साइट की जो हालत थी वो मेरे फोन जैसी हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा फोन 10 मिनट तक हैंग हो चुका था क्योंकि उसमें बल्क में मैसेज और रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इसी तरह की रिक्वेस्ट वहां पे डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने के लिए उस साइट पे जा रही है, जिसकी वजह से वो साइट हैंग हो चुका है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना चाहते हैं तो आज मत करिए, आज ट्राई मत करिए, कुछ दिनों बाद ट्राई करिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ट्राई करेंगे तभी आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बल्क में इतनी सारी रिक्वेस्ट जा रही है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सब्र रखिए, जब अगर आपने इतना इंतजार किया है तो कुछ दिन और आप इंतजार करिए, ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसे करते रहे और वो साइट वो काम डेट ऑफ एग्जिट कोई अपडेट ना कर पाए तो वो जो ईपीएफओ है उस ऑप्शन को वहां से रिमूव कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा वेट करिए और कुछ दिनों बाद ट्राई करिए, आप अपने डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई थी इसीलिए बनाई थी क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट और इतने सारे मैसेज आ रहे थे इस एरर को लेके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।